आज हम चर्चा करेंगे काली मूसली की। काली मूसली कुरकुलिगो और कॉइड्स अमरेलिडिसी फैमिली का है। विभिन्न प्रकार के स्टेरॉयड फिनोलिक कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, सैपोनिन्स और बहुत सारे मिनरल्स का ये खजाना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रेजिन, गम। अच्छी बात यह है कि यह एनाबोलिक है, एडेप्टोजेनिक है। इसके अंदर एक राइजोम होता है, राइजोम को सुखा के हम पाउडर बना लेते हैं और यथासंभव उसका हम शहद के साथ सेवन करते हैं। यह है हमारे बॉडी के एक वाइटल ऑर्गन जिसको आप किडनी के नाम से जानते हैं, उसकी विभिन्न प्रॉब्लम में इसका हम यूज़ करते हैं। और यह सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस और न्यूरोलिथियसिस, क्या होता है कि फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, किडनी में सूजन की स्थिति आ जाती है या फिर किडनी में स्टोन की जो समस्या होती है उसको नेफ्रोलिथियसिस कहते हैं। ऐसा जब होता है तो किडनी डिसफंक्शन के कारण कई बार ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और किडनी का जो ये फिनोमिना है एल्डोस्टेरोन नाम के स्टेरॉयडल हार्मोन से कंट्रोल होता है और ये एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से स्क्रीट होता है और यह बॉडी में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन और पोटाशियम के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। कई बार क्या देखा जाता है कि जो बिनाइन कैंसर जो होता है किडनी का, उसके कारण हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है या फिर किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ही हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई रहता है। ऐसे भी पेशेंट को काफ़ी हद तक इसके चूर्ण का सेवन कराने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लग जाता है क्योंकि धीरे धीरे एल्डोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल हो जाता है। साथियों, ये फार्माकोलॉजी जो बीच बीच में हम आपको बताते हैं, हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग हो जाए, लेकिन हमारे पास कुछ सजेशंस भी आए थे और कुछ हमारे साथियों से परामर्श भी था कि आप लोग थोड़ा सा सर थोड़ा फार्माकोलॉजी भी बताइए ताकि टेक्निकल बैकग्राउंड के जो जानने वाले हैं वो उनको कुछ फ़ायदा हो सके, तो इसलिए हम थोड़ा सा फार्माकोलॉजी का पुट इसमें डालते हैं और ताकि इसमें आप लोग अच्छे से समझ सकें। बाकी इसका जो राइजोम है उसको आप पाउडर बना के रख सकते हैं, राइजोम से ही इसका प्रोपेगेशन हो जाता है। ये पेरिनियल होता है, आप इसमें देख पा रहे होंगे इसके लीव्स हैं और कहीं हमने इसके कटे हुए जो एपिकल पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया है क्योंकि पेरिनियल होता है, फिर से ये ग्रो कर जाएंगे और फिर से जनरेट होके इनकी लीव्स जैसी स्थिति आ जाती है। और जो आर्थराइटिस होता है, लुम्बर आर्थराइटिस, उसमें भी इसका विशेष उपयोग किया जाता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, 4 से 5 ग्राम पाउडर शहद के साथ दिन में 2 बार खाना है, आसानी से लुम्बर आर्थराइटिस में पेशेंट की कंडीशन काफ़ी हद तक सुधर जाती है। फिर मिलेंगे, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए और आगे लोगों के स्वास्थ्य के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाइए। प्रणाम।